हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुष्का और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि मेहंदी लगाने से पहले क्या करना है और मेहंदी लगाने के बाद आपको कैसे मेहंदी को छुटाना है और मेहंदी लगाने के बाद कैसे आप अपने बालों को नरिश कर सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं, काले घने लंबे बाल कैसे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मेहंदी अपने बालों में लगाते हैं तो उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू से वॉश किए हों। उसके ऊपर बिल्कुल भी तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ होगा तो मेहंदी अच्छे तरीके से नहीं चढ़ेगा। अगर आप अपने बालों को कंडीशन करना चाहते हैं तो बाल कंडीशन भी नहीं हो पाएंगी। अगर आप अपने बालों को कलर देना चाहते हैं तो बाल कलर भी नहीं हो पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू से वॉश कर लें। सेकेंड है स्टेप कि आप अपने बालों को जब शैम्पू कर लिए हों तो एकदम अच्छे तरीके से सूखे हुए बाल होने चाहिए। गीले बालों में मेहंदी कभी नहीं लगती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो गीले बालों में मेहंदी कभी मत लगाइएगा। थर्ड थिंग फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बालों को मेहंदी लगा रहे होते हैं तो बालों को दो भाग में करके मेहंदी लगाने से हर एक बालों में अच्छे तरीके से मेहंदी लगता है। तो मेहंदी जब लगाते हैं तो बालों को दो पार्ट में सर से इसे जब कॉम करके ही लगाएं, बिना कॉम किए हुए मत लगाएं, क्योंकि अगर आपके बालों में गट्ठे बने होंगे, अगर आपका बाल थोड़ा सा खराब अगर होगा तो आपके बालों में अच्छे से मेहंदी नहीं चढ़ पाएगा और आपके बाल रफ़ हो जाएंगे। फोर्थ है फ्रेंड्स कि आप जब भी बालों में मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी को हटाते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से बालों को धो करके उसको रात में अच्छे तरीके से ऑयलिंग करिए। कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं, ब्लैक ऑनियन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैसियर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयलिंग इज़ मस्ट। आफ्टर दैट आप मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग को अच्छे से शैम्पू करके वॉश कर सकते हैं, करना बिल्कुल सही होता है। तो ऐसे ही आप अपने बालों को नरिश कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।